हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा टॉप 10 मैथ्स का क्वेश्चन, जो आपको सीधे क्या कर रहा है पेपर में पूछेगा, ठीक है। और जो लोग अगर नए हैं तो वो लोग मेरे यूट्यूब वीडियो को क्या करिए, सबसे पहले अगर मज़ा अगर आता है वीडियो को तो आप लोग लाइक करिए, सबसे पहले लाइक करिएगा। इसके बाद तब अगर अच्छा लगे तो पीछे लाल वाले बटन को आप दबा दीजिएगा, यानी सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद ज़्यादा अगर ना समझ में आया तो घंटा जरूर दबाएँ, ठीक है। और आपको फटाफट आपको समझ में आना चाहिए कि हम कुछ दिनों से टॉप 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। मेरे पिछले वाले वीडियो को आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें एक एक से मेथड को मैंने क्या क्या इंक्लूड किया हूँ। तो आज हम बात करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, उसके छोटे छोटे आंसर। चलिए शुरू करता हूँ, ठीक। पहली बात तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछ रहा है कि 1+√3, 1-√3 का परिमेयीकरण क्या होगा। 1+√3 और 1-√3 का क्या होगा बताओ, परिमेयीकरण क्या होगा, रेशनलाइज क्या होगा। और इसका क्वेश्चन क्या करना है आपको बहुत ज़्यादा पूछा है, तो आप कुछ मत करिए। आपको सिंपल सा मेथड ये है कि आप देखिए न्यूमरेटर वाले से, न्यूमरेटर में क्या है बताओ, अंश वाले में क्या है, 1+√3, तो 1+√3 से यहाँ मल्टीप्लाई और 1+√3 से यहाँ मल्टीप्लाई। पहले इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, 1+√3 यहाँ तो 1+√3 यहाँ, और 1-√3 यहाँ तो 1+√3 यहाँ। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये कितनी बार है बताओ, डबल टाइम है ना, कितना टाइम है, डबल टाइम। तो 1+√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तीन में से एक गया। देखिए याद रखना, 1 √3 क्या हो जाएगा बताओ, 3। अब बताओ a+b का होल स्क्वायर से क्या करना है, ब्रैक कर देना, तोड़ देना है। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, √3 का होल स्क्वायर 3, 2ab यानी 2√3। 1 में से 3 गया कितना बचेगा, -2। अब बताओ 3 कितना, 4, 4+√3 बाई क्या था, -2। काटना चाहो कट जाएगा, काटने का हो सकता नहीं, इतना क्या कर देंगे, हमें हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट, इसको नोट करिए। पहले जो ऐसे प्रश्न आपके पेपर बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, हमें शंका डाउट फील हुआ है, इसलिए मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होगा, अब से देखना ना भूलें। फटाक 1, 2, 3, 4 बोलो, फटाफट करिए भैया। समझ में आ रहा है, अंजलि फटाफट लगाओ। यस सर। हाँ, क्वेश्चन को आना चाहिए, सीधे मुझसे वाला फटाफट लगाओ, और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, ये लाइव शूटिंग है, अब आप YouTube पर भी इसे देख सकते हैं, इसलिए अगर आप नहीं भी नोट करते हैं तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आप इसको मिटा दूं छोटू। अब आगे आपको परेशान करने वाले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 हमें याद है 2050 में पूछा था, यानी 2050 आपका इससे भी लगा था, 2019 में पूछा था, 20 में एक प्रश्न ऐसा था आपसे, ये पूछा था कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो ठीक है टेन थीटा की वैल्यू बताओ। आपसे क्या पूछा था, साइन थीटा इक्वल टू कितना है, 1/2, तो आपसे किसकी वैल्यू पूछा था, टेन थीटा का वैल्यू पूछा था। बहुत सारे छोटा लोग नहीं लगा पाए थे, बात की बात है कि नहीं, आप कुछ मत बताओ, साइन के पीरियड में 1/2 कितने डिग्री बनाता है, 1/2 कितने डिग्री में आता है साइन के पीरियड में, साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, अभी कोई पढ़ाया नहीं क्या, नहीं पढ़ाया गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हैव रिजेक्टेड। अच्छा ठीक, चलो मैं बनवा देता हूँ, पहले इसको फाइनल करा दूँ तब बाद में चलेंगे, जल्दी बनाओ फटाफट छोटू, बहुत लापरवाही किए जा रहे हो मैथ में तुम लोग, क्या बताएं, फटाफट क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। बड़ा बढ़िया, तुम लोग को हम सोचे थे कि तुम लोग पूरा जानती हो, पाही नहीं, पाही होता है ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री, ठीक है। सर अभी तक यहाँ पर नहीं ये है साइन, बाप रे बाप, बहुत धोखा किया गया है, कॉस
इसके बाद ये टेन, इसके बाद ये कॉट, हाँ पैंतालीस, पैंतालीस लवकुश सर की स्टूडेंट हो, थोड़ा सा अलर्ट रहो, प्रोसेक्ट ठीक है ठीक। छोटे ध्यान समझना फटाफट सभी लोग। अच्छा ए बताओ, साइन की जो वैल्यू होती है जीरो से क्या करता है, बढ़ता है, जीरो से क्या करता है बढ़ता है। तो साइन जीरो का मान जीरो, साइन तीस का मान एक बटा दो, साइन पैंतालीस वन बाई रूट टू, इसका करणीम तीन बटा कितना दो, साइन नब्बे का मान कितना एक। छोटी पड़ी है ना, 100% डन ठीक, बात समझे। कॉस की वैल्यू कैसे बताओगे, उल्टा होगे, कॉस का मान एक से क्या करता है घटता है, कॉस की जो वैल्यू होती है वन से क्या करता है बताओ घट जाता है, उसकी वैल्यू क्या वन, इसके बाद क्या करणी में तीन बटा दो, जल्दी बताओ, फिर वन बाई रूट टू, फिर जीरो, समझ में आया। टेन का मान काट देना, जीरो बटा वन जीरो, क्या समझे, जीरो बटा वन जीरो, टू टू कट गया वन बाई रूट थ्री, अच्छा रूट टू कट गया, पूरा कट गया बच्चा कितना वन, समझे नहीं, टू टू कट गया क्या बच्चा रूट थ्री, और वन बाई जीरो की वैल्यू कितना कितना इनफाइनाइट, बात समझे समझे नहीं। अब इसी का जस्ट उल्टा आ जाओ, काट का काट में आओ क्या जाएगा, ये इनफाइनाइट, इसके बाद कितना है बताओ रूट थ्री, इसके बाद वन, इसके बाद वन बाई रूट थ्री, इसके बाद क्या है बताओ जीरो। अब बताओ कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है बताओ, सेक होता है, कॉस की वैल्यू वन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी वन, रूट थ्री बाई टू ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा टू बाई रूट थ्री, अब ये रूट टू है तो क्या हो जाएगा बताओ रूट टू, इसके बाद टू है तो टू हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो है, जीरो का उल्टा जीरो, कोसेक है तो क्या है बताओ, अब इसकी वैल्यू जीरो, इसके बाद टू है तो क्या हो जाएगा टू, इसके बाद ये रूट टू, इसके बाद क्या है टू बाई रूट थ्री, इसके बाद क्या है बताओ वन है, तो वन का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ वन, वन का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ वन। और हमने आपसे प्रश्न में क्या पूछा था, हमने आपसे प्रश्न में ये पूछा था, मैथ का ये स्थिति है, और चले हम साइंस पढ़ा दें, बुरा मत मानो छोटू, पेपर सर पे है ना, लापरवाह पर्सन, मिठाई से वन है टू बाई रूट थ्री, साइन का उल्टा बिल्कुल कतई बात गलत बात पसंद नहीं, साइंस ये हाल है देख रहे हो, टेबल अभी तक नहीं बताया गया है, छोटी चौपट हो जाओगी, गलत करें क्या, साइंस की टेंशन, साइंस की टेंशन, जल्दी बनाओ छोटू फटाफट बनाओ, साइंस पढ़ा दें, साइंस पढ़ा दीजिए, छोटू टेंशन होता है, बच्चे अगर कम जानकार हैं तो गुस्सा चढ़ता है अपने, मैथ कब से चल रहा है, कम से चार पाँच महीने हो गया, ये तो आना चाहिए बेसिक चीज, मिटा दें, हाउ मेनी मिनट कैन यू रिकॉर्डेड माय वीडियो, 8 मिनट, 10 हो जाएगा बंद कर देना, क्लोज इट, नहीं चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हुआ पायल, बात समझ में आ रहा है ठीक, घुघरू तुम्हें आ रहा है समझ में ठीक, फटाफट लगाओ उसको, मिटा दें सर, अब देखो मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ तक आ रहा है क्या छोटू, यहाँ तक आ रहा है नहीं, मैथ की बहुत दयनीय स्थिति है, हमें थामना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का पीरियड ए नहीं आ रहा है, साइन तीस साइन पैंतालीस, क्या पढ़ते हो भाई, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, अब इधर
साइन थीटा इक्वल टू, देखो साइन थीटा इक्वल टू वन बाई कितना है टू, तो आपसे क्या पूछा था टेन थीटा का मान, किसका मान टेन थीटा, यही दिए थे ना। अब कुछ लोग करेंगे लंब कर्ण लगेंगे निकालने, लंब कर्ण लंब कर्ण लंब कर्ण, उनको ये चीज़ पता होना चाहिए साइन के पीरियड में वन बाई टू कितना डिग्री बनाता है, चेक करो 30 डिग्री है ना, कितना है 30 डिग्री, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, इसके स्थान पर साइन 30 लिख सकते हो ना, बोलो साइन साइन कटा तो क्या बचा थीटा, थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री, तो टैन के मान पे रख लेना टैन थीटा, थीटा इक्वल टू कितना रखोगे 30 डिग्री, जरा टैन 30 का मान चेक करो, टैन 30 का मान जल्दी, हाँ तो वन बाई करणी में तीन, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए बस मैं शेष पाँचों का पूछ लूँ दिमाग खराब हो जाएगा, है ना, इसलिए आपको अलर्ट रहना है, क्या रहना है अलर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट। वीडियो रिकॉर्डेड है जाके आप देख सकते हो, ठीक है, क्या हम भरवाएंगे क्या नहीं बताओ नहीं नहीं, तुम्हारा स्टूडेंट हो, तुम्हारा जब रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे साथ घूमूंगा पूरी जौनपुर, हाँ साइकिल से घूमेंगे चले भैया आगे बढ़े, ठीक अच्छा आगे बढ़े, अब एक बात नोटिस करना छोटू, है छोटू आगे देखो, ठीक एक चीज नोटिस ये करना, आप लोग दिमाग से नोटिस करना, माइंड एबिलिटी के ऊपर नोटिस करना, आपसे अगला जो प्रश्न पूछेगा वो ये पूछेगा कि साइन थीटा इक्वल टू कितना है कॉस थीटा, तो थीटा का मान बताओ, थीटा का मान बताओ, किसका मान बताओ छोटू, थीटा का मान बताओ, डोंट टॉकिंग टू माय क्लास, ए छोटू क्या बात कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है, साइन थीटा बराबर कितना है कॉस थीटा, तो थीटा का मान पूछा है, यस कमी साइन थीटा बराबर क्या है बताओ कॉस थीटा, तो थीटा क्या बताना है बताओ, मान बताना है भैया 45 डिग्री, कितना 45, थीटा का मान क्या हो जाएगा 45, क्योंकि साइन 45 का मान 1 बाई रूट टू और कॉस 45 का मान 1 बाई रूट टू, आपस में दोनों कैसे होते हैं बराबर होते हैं, थीटा का मान 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री, नोट कर लो फटाफट, थीटा का मान 45 डिग्री, हो गया पैतालीस, डोंट जॉकिंग माई क्लास, हाँ आगे देखो फटाफट चलो उसको फटाफट कर, बस 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 पेपर है क्या, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।